ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज की वीडियो है कुछ लेडीजों के लिए। उन्हें लगता है कि भी सेक्शन 9 करने के बाद भी अगर वो हमें मना करता है तो क्या होगा। यानी कि ना अब भी ना आज के टाइम में भी ना मतलब कोर्ट पे बिलीव नहीं है, उस हस्बैंड पे बिलीव है, यानी कि उसकी नियत पे बिलीव है कि वो रखेगा नहीं यार, ठीक है, मतलब डरते हैं। तो यार देखो एक बात बताऊँ आपको, मतलब रखना तो उसे पड़ेगा, ठीक है, मतलब कोर्ट, अगर आप कोर्ट में जाते हो ना तो रखना तो उसे पड़ेगा। आप बोलते हो कि भाई वो मना करे, तो यार देखो इसका सबसे बड़ा रीजन है पता क्या होता है, एक होता है रीजन, एक होता है सफिशियंट रीजन, ठीक है। सपोज हस्बैंड मान लो कोहेबिटेशन करने से मना कर रहा है, ठीक है, मना कर रहा है कि वो रखने के लिए, तो उसको रीजन देना पड़ेगा, रीजन में भी सफिशियंट रीजन देना पड़ेगा। अब सफिशियंट रीजन क्या क्या हो सकते हैं, पहले मैं आपको इनसफिशियंट रीजन बता दूं जो नहीं माने जाएंगे। सपोज हस्बैंड बोलता है कि यार मेरी वाइफ है ना, मतलब कोर्ट में बोलता है सर मतलब माई लॉर्ड के आगे कि माई लॉर्ड ये खर्चा बहुत करवाती है मेरा, तो मैं इससे तंग आ लिया, तो ये माना नहीं जाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा और डिग्री पास कर देगा कि भाई आप रखो, ये कोई वो नहीं है, ठीक है। सेकेंड आता है कि भाई ये अपने फ्रेंड्स से बात करती है 24 घंटे, फोनों पे लगी रहती है या फिर, ठीक है, ऐसे, ये भी नहीं माना जाएगा। और फिर बोलेंगे घर के काम नहीं करती, ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्यों, ये तो झूठ भी बोल सकते हो ना। अब घर में जरूरी है यही ये लड़की ही काम करेगी, वाइफ ही काम करेगी, ठीक है, अभी तुम कर दो काम यार, क्या हो गया, तो ये सफिशियंट नहीं माने जाएंगे। और हो गया जैसे कि मान लो इसको घूमने का शौक है, ये बहुत मेरा खर्चा कराती है, बाहर जाती है, मतलब समझ रहे हो, तो वो वाली चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। फिर ये मेरे को डेली मतलब वो करने का प्रेशर बनाती है कुछ भी काम, समझ रहे हो, तो वो चीज़ नहीं मानी जाएंगी। फ़ोन पे लगी रहती है, ये भी नहीं माना जाएगा। और इसको ड्रिंक करने की आदत है, ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है, एकदम मतलब कर ली थोड़ी बहुत, ठीक है, अब ये नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना लिमिट में, ये भी नहीं माना जाएगा। और सोती रहती है, काम नहीं करती, ये देखो ये तो मान ही नहीं जाते। अब कौन कौन से माने जाएंगे, ठीक है, मैंने आप एक बार आपको और बताया था, जैसे कि मान लो कौन कौन से माने जाएंगे, सपोज वाइफ को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कोहैबिटेशन नहीं करती, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना करती है मान लो, तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई जब तुम भी कोहैबिटेशन कर ही नहीं रहे हो और फिर आप सेक्शन 9 डाल रहे हो, तो नहीं माना जाएगा, मतलब माना जाएगा कि भाई आप, हम डिग्री पास नहीं करेंगे, तो आप मत रहो। नेक्स्ट आता है जैसे कि मान लो कोई पर्सनल बीमारी है, वो बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, उसके रिगार्डिंग, या फिर कोई ऐसा वायरस हो गया है जैसे कि मान लो एड्स का वायरस हो गया या फिर कोई भी कोरोना वायरस हो गया, और अगर वो साथ रहेगी तो दिक्कत देगी, तब वो मना कर देगी भाई हम नहीं पास करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। और आ गया जैसे कि मान लो उसकी सरकारी जॉब है, ठीक है, अब मान लो सरकारी जॉब है, तो उसको छोड़ के कोर्ट ये नहीं कहेगी भाई तुम अपने हस्बैंड के साथ रहो, या हस्बैंड कि जो जॉब है वो नहीं बोलेंगे कि भाई तुम उसके साथ रहो, ठीक है, तो ना प्रूफ करना पड़ता है यार, ना ग्राउंड्स होते हैं कुछ, और सफिशियंट रीजन देना पड़ता है, तभी ना आप जो कभी सेक्शन 9 को पढ़ोगे ना उसमें ना ये लिखा है विदाउट एनी सफिशियंट, वो ये भी लिख सकते थे विदाउट एनी रीजन, लेकिन रीजन मस्ट बी सफिशियंट, ठीक है, एक होता है रीजन, एक होता है सफिशियंट रीजन, तो सफिशियंट होना चाहिए, ये नहीं है कुछ भी उठा के चल दिए और बोल दिया, तो रखना पड़ेगा यार। नेक्स्ट बात आती है, तो और क्या था, तो यार ये डाउट निकाल दो। और कुछ एडवोकेट ना अपने क्लाइंट्स को ना ऐसे बोलते हैं कि इससे करने से कुछ नहीं होगा भाई, कोर्ट मतलब वो मना करेगा तो मना करेगा, तो यार देखो मतलब तुम उसके एडवोकेट हो ना तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा भाई, क्यों मना कर रहा है, रीजन तो दे, ठीक है, रीजन तो दो, क्यों नहीं रहना चाहता भाई, फिर शादी ही क्यों की थी, फिर बोलेंगे जबरदस्ती हो गई थी, हलवा है क्या जबरदस्ती हो गई है, फिर डाइवोर्स ले लो, मेंटेनेंस दे दो, बीच में तो ना टांगो ना, समझ रहे हो, तो भी पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, आपको एंट्री मिलेगी और रखेगा, और मैंने आपको मतलब बता दिया है कुछ, आप हमारी वीडियो देख सकते हो भी क्या क्या एक्शन आप ले सकते हो, देखो तो रखना तो पड़ेगा, राइट है आपका, ठीक है। और राइट ना इंडिया में क्या यार छीनना पड़ता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ छीनना पड़ता है, ये कोई मिलता नहीं है, मतलब लड़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत फाइट करना पड़ता है, समझ रहे, अब यही है तो क्या करें, हमारा एग्जीक्यूटिव बहुत स्लो है, एक्शन नहीं लेता, हम तो कहते हैं यार पार्लियामेंट ने ना लॉ बनाना चाहिए कि जैसे शादी हुई ना तो 10-20 साल तक तो कोई डाइवोर्स होना ही नहीं चाहिए, ऐसा लॉ होना चाहिए, चलो देखते हैं, अभी तक तो कुछ है नहीं, अब ऐसे लोग कहाँ बनेंगे, है ना, जो काम किए वो तो बनते नहीं हैं, चलो, पर जो है जो बनाते हैं वो अच्छे बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जो 1995 का वो है अच्छा बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट बहुत सारे अच्छे बने हुए, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो आप ये ना सोचो रखेगा नहीं, रखेगा, शुरुआत करो, अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट है फाइनल, अच्छा सा वकील करो, अगर आपको वकील डिमोटिवेट करता है तो चेंज कर दो उसको, बोलो भी मुझे एंट्री चाहिए इतने मतलब, और लड़, और एक बार ना मैं तो कहता हूँ यार एक बार ना सेक्शन 9 को आप पढ़ो, नेट पे लिखो,
ब्लॉग में पढ़ो सेक्शन 9 कहता क्या है असलियत में, ठीक है, उस चीज़ को निकालो। और वीडियोस वीडियोस कम देखो, क्योंकि हर वीडियोस में किसी ना किसी की ओपिनियन होती है। अब और नेट पे होता है ना जो, मतलब सेक्शन 9 अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आपने हिंदू मैरिज एक्ट की बुक आती है 1955 की, मतलब ईयर आई तो 1955, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, तो वहाँ पे आप उसमें सेक्शन 9 डाइवोर्स वाइवोर्स सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट, एक होता है फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ नहीं मंगाना आपने, आपने मंगाना हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसमें सब कुछ होगा, उसको मंगा लो, ऑनलाइन मिल जाएगी 400-300 रुपए की, उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, उसको ना मतलब उसको उससे पढ़ के आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और वकीलों से भी थोड़ा वो मिलेगा कि हाँ यार उस बुक में तो ऐसा लिख रहा है और ये कुछ बोल रहा है, उसमें लेटेस्ट जजमेंट होंगी। आप नेट पे थोड़ा अवेयर रहो ना, अब क्यों किसी के भरोसे रहते हो, ठीक है। सो यू